गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या हाल है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन समझ में आया बेटा? हैं, जल्दी जल्दी बोलो। सत्तर बच्चा ज्वाइन किया है, एक नई लड़की देख रहे हैं, केतकी। क्या बेटा, पहले नहीं तुमको पता था? सोनम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सब ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है? ये देखो, इन्वायरमेंटल इशू तुमको पढ़ाना है। ये बायोलॉजी का लास्ट तुम्हारा चैप्टर है। इसमें मेन तुमको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। पॉल्यूशन में तुम्हारा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और थोड़ा सा अदर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। जैसे एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, वो भी पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। तो थोड़ा थोड़ा सा जानोगे और उसका इफेक्ट भी जानोगे, जैसे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन तुमको पढ़ना है। मेन इसमें तुमको एयर पॉल्यूशन पढ़ना, और एयर पॉल्यूशन में तुम्हारा ये कंट्रोल कैसे एयर पॉल्यूशन के किया जाता है, तो तीन टेक्निक आपके एनसीईआरटी में दिए हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रिस्पिरिटेटर, तो जनरली तुम्हारा डस्ट पार्टिकल को। दूसरा है स्क्रबर, तो वो SO2 को एयर में जाने से रोकता है। तीसरा है कैटेलिटिक, तो वो कैटेलिस्ट का काम करता है। जनरली वो ऑटोमोबाइल में फिट किया जाता है। तो ये टोटल तुमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ो, और उससे पहले जानो कि पॉल्यूशन क्या होता है। शुरू करें बेटा, खास करके तुम्हारा जो बोर्ड परीक्षा देने वाला है तो लिखने के लिए भी आता है। देखो, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एनी अनडिजरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और स्वाय, तो इसी को पोल्यूशन कहा जाता है। क्या होता है तुम्हारा, पढ़े हो आप? एयर का अपना कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, पढ़े हो? नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा 0.4%। तो मान लो कोई अदर सब्सटेंस इसमें इन करेगा तो उसके कंपोजिशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज करेगा। इसमें तुम्हारा बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तुम्हारा, बहुत सा बैक्टीरिया वायरस है इसमें। तो कोई भी अनडिजरेबल सब्सटेंस आने के बाद अगर इसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को अगर चेंज कर देता है तो उस फेनोमेना को कहा जाएगा पॉल्यूशन। और वो जो सब्सटेंस, जो अनडिजरेबल सब्सटेंस था, आके इसके प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया तो उसी को कहा जाता है पोल्यूटेंट। समझ में आया मेरी बात? तो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एनी अनडिजरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। और पोल्यूटेंट का मतलब क्या, हमने क्या बोला, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या, कोई एजेंट आया एयर में इन किया और उसके चलते क्या हुआ, उसका जो भी प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है तो वैसे एजेंट को, वैसे सब्सटेंस को, वैसे थिंग को क्या बोलोगे, पोल्यूटेंट कहा जाता है। और जब उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसके चलते क्या होता है, तुम्हारा एडवर्स इफेक्ट आता है लिविंग थिंग पे, ठीक है? तो पोल्यूशन वर्ड ही तुम्हारा निगेटिव है, पोल्यूट करना, गंदा कर देना, तो उसका एडवर्स इफेक्ट तो आएगा ही। तो उसी पोल्यूशन में तुमको मेन जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, इस चैप्टर का मेन चीज है तुमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। अब देख लो यहां पर क्या कहता है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है तीन तरह का होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। पढ़ोगे एक अमेंडमेंट लाके क्या किया, इसी एयर पोल्यूशन में तुमको नॉइज को भी इंक्लूड कर लिया। नॉइज पोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज एयर पोल्यूशन, क्योंकि वो नॉइज कहां होता है, एयर में ही होता है ना बेटा। ठीक है, तो देख लो एयर पोल्यूशन क्या कहता है, ध्यान से देखो।
कहता है इट इज़ एन अनडिजरेबल चेंज इन द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एटमोसफेयर व्हिच मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन और फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, वहाँ पॉल्यूशन का जो डिफिनीशन दिए हो तो वहाँ पर करेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, तो यहाँ पर सिंपली आप एयर का चर्चा करोगे और उसके चलते जो हार्मफुल इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। ध्यान से देखो, ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ेगा। देखो देयर आर टू मेन कॉजेज होता है, एक होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये तो सबसे है, बायोडाइवर्सिटी को भी यही ह्यूमन एक्टिविटीज खत्म कर रहा है। देखो लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव यूज इन द वार, फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल। नेचुरल कॉजेज में देखो क्या होता है, लाइक वोल्केनिक इरप्शन, इलेक्ट्रिक स्ट्रोम्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, नेचुरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डीके एंड डस्ट स्ट्रोम ईटीसी। लेकिन इसमें मैन मेड जो होता है ये तो नेचुरल है, फिर भी वो क्या करता है, वो एयर उसको थोड़ा देर टॉलरेट कर लेता है। लेकिन मेन तुम्हारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, तो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स हो रहा है जिसके चलते क्या हो रहा है, एयर आपका जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें चेंज होते चला जा रहा है। समझ में आया मेरी बात, आगे बढ़े बेटा। ये देखो सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ध्यान से देखना क्या कहता है, द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर फॉसिल्स फ्यूल एंड इंडस्ट्रीज। देखो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्या होता है, कोई भी फ्यूल जब आप बर्न करते हो तो उसमें क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, तो देख लो क्या होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड, या तो ये CO2 निकलेगा, अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, या तो NO होगा या NO2, उसी तरीके से ये सल्फर, या तो SO2 होगा या तो SO3 होगा। तो कोई भी फॉसिल्स फ्यूल को अगर बर्न कराते हो तो वो डिपेंड करता है कि बर्निंग आपका कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब देखो कहता है इंडस्ट्री besides releasing the above oxide formed in the combustion of coal and petroleum in them also add other harmful gases and particulate to the air। यहाँ पर other harmful gas क्या होता है, अगर incomplete combustion होता है तो तुम्हारा क्या होता है, unburnt hydrocarbon कंपाउंड रिलीज होता है एयर में, वो ज़्यादा पोल्यूट करता है। हम बताएंगे तुम्हारा CO2 और CO में क्या फ़र्क होता है, ये CO2 से ज़्यादा डेंजर होता है, टॉक्सिक होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देख लो यहाँ पर क्या कहता है, टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो देख लो कहता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सोर्सेज। पहला देखो पॉइंट और स्टेशनरी सोर्सेज, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट यानी वो फिक्स होता है एक ही जगह से, जनरली इसमें तुम्हारा इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट्स आता है। और एयर पोल्यूशन का सबसे मेन जो अगर पूछता है कि मेन सोर्स क्या है तुम्हारा, तो सिटी में ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्री में अगर लोगे तो थर्मल पावर प्लांट्स होता है। तो कोई भी थर्मल पावर प्लांट या अदर जो इंडस्ट्री है तो शहर से क्या होता है, दूर होता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर जो भी उसके चलते पोल्यूशन होता है टोल, लेकिन शहर में जो होता है तुम्हारा ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, तो उसमें थर्मल पावर और आपका ऑटोमोबाइल्स आता है। अब देखो कहता है कि लाइन और मोबाइल सोर्स, तो देखो ऑटोमोबाइल्स आर द लाइन सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, दे ऐड पोल्यूटेंट अलोंग नैरो बेल्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा देखो एरिया सोर्सेज होता है, जैसे टाउन हो गया, सिटीज हो गया, आर द एरिया सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, दे ऐड स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम फायर ओवर वाइड एरिया। अब देखो एयर पोल्यूंट को क्या किया है तुम्हारा, ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के साइज के आधार पे उसको तीन कैटेगरी में बांटा है, जैसे देख लो गैसियस मटेरियल हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया। तो जैसे पार्टिकुलेट में तुम्हारा क्या आता है,
ये डस्ट पार्टिकल आ गया, गैसियस में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तुम्हारा गैसियस पोल्यूटेंट में आता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है बोलो, आगे बढ़े जल्दी बोलो। अगर प्रॉब्लम हो कमेंट करके भेजो। ये देखो गैसियस पोल्यूटेंट में क्या कहता है, द ऑक्साइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर हाइड्रोकार्बन्स फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट एंड फ्लोराइड्स आर कॉमन गैसियस पोल्यूटेंट। ये फ्लोराइड्स देखोगे तुम्हारा वाटर में आता है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बताएंगे क्या होता है। देखो ऑक्साइड ऑफ कार्बन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सब आदमी पढ़े हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ही तुम्हारा क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बोलते हो ये क्रिएट करता है। अब देख लो यहां पर क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ द फ्यूल। जनरली पढ़े हो आप, कोई भी फ्यूल को अगर आप बर्न कराते हो तो ये फ्यूल बर्न किसके प्रेजेंस में होता है, O2 के प्रेजेंस में, और ये टूट के देख लो CO2 प्लस वाटर। कभी कभी क्या होता है, अगर इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो यहां पर क्या होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होता है अनबर्न हाइड्रोकार्बन कार्बन होता है तुम्हारा, तो ये क्या होता है ज्यादा डेंजर होता है इन कंपेरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल, इट अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ द टोटल एयर पोल्यूटेंट। देख लो 50%, ये दिमाग में रखना है। अब देखो कहता है, इफ इनहेल्ड CO selectively combines with the hemoglobin and reduce the oxygen carrying capacity of hemoglobin and this can lead to giddiness, laziness, exhaustion, reduced vision, nervous and cardiovascular disorder and even the death। actually क्या होता है कि ये जो air pollution होता है इसमें सबसे ज्यादा जो affected होता है तुम्हारा वो respiratory system होता है, और अगर उसके चलते क्या होगा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है। अब उसी से देखो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है तुम्हारा, जो पढ़ रहे हो ग्लोबल वार्मिंग जो आ रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो क्या कहता है, द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एयर में कॉज राइज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर व्हिच में मेल्ट द पोलर आइस कॉजिंग राइज इन ओशियन लेवल एंड कंसिक्वेंट फ्लडिंग ऑफ कोस्टल टाउन्स। क्या हो रहा है तुम्हारा, सबसे बड़ा रिजर्वॉयर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करता है वो प्लांट करता है। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते प्लांट की संख्या घटते चला जा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है CO2 एटमोस्फियर में इंक्रीज होते चला जा रहा है, और इसी इंक्रीज के चलते क्या हो रहा है तुम्हारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। और अगर इसी रफ्तार में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ते गया तो एक एस्टिमेट है कि हर 10 ईयर के बाद क्या होता है आपके अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर जाता है। तो इमेजिन करो अगर इसी तरीके से टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते रहा तो क्या होगा। देखो क्या कहता है, मेल्ट द पोलर आइस कॉजिंग, देख लो राइज इन ओशियन लेवल क्या होगा, वो पोलर आइस एक ही बार मेल्ट कर जाएगा, सारा वाटर कहाँ आ जाएगा सी में, सी का लेवल क्या होगा राइज होगा, जो भी उसी के आसपास का जो कंट्री होगा वो सब क्या होगा सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो इस ज्यादा हम इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग ग्रीन हाउस सब आदमी पढ़े हो। ये देखो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तुम्हारा दो होता है NO और NO2, कहता है रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड आल्सो बाय बर्निंग ऑफ मटेरियल्स द नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म अबाउट 10% ऑफ द एयर पोल्यूटेंट। ध्यान से देखना, यही सब दिमाग रखना है बेटा। 50% कौन था तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड, 10% कौन है ये आपका NO और NO2, और ये कहां से आता है केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ये पेट्रोलियम से भी निकलता है तुम्हारा नाइट्रोजन,
ठीक है। अब देखो क्या कहता है, एनो लाइक सीओ लोअर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो लोअर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन कॉन्टेक्ट विद द वाटर वेपर इन एयर और बॉडी ए हाईली कोरेसिव नाइट्रिक एसिड, हेंस इट इरिटेट द आइज नोज ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स। बींग ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अटैक मेटल टेक्सटाइल एंड अदर मटीरियल। और इसी देख लो क्या होता है, ये नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनता है और उसके बाद वाटर से मिलकर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बना देता है। उसी तरीके से SO2 जो है SO3 में कन्वर्ट होकर वाटर से मिलकर क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और वो एयर कहाँ जाके, एयर में जाके वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और वही एसिड रेन करवाता है। जो सुने हो कि तुम्हारा ताजमहल धीरे धीरे अपनी जो साइनिंग है वो लूज करते जा रहा है, तो देख लो क्या कहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डैमेज प्लांट कॉजिंग डिफोलिएशन एंड नेक्रोसिस। नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म पेरीऑक्साइल नाइट्रेट बाय रिएक्शन विद द हाइड्रोकार्बन। ये दिमाग में रखना है, पेरीऑक्साइल नाइट्रेट, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग, ये आई इरिटेशन इसी से होता है। तो ये इसी को, ये पेरीऑक्साइल नाइट्रेट को पान भी कहा जाता है बेटा, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। समझ में आया, ये देखो ऑक्साइड ऑफ सल्फर आ जाओ। देखो कहता है प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंडस्ट्री थर्मल पावर प्लांट्स मोटर व्हीकल्स। सल्फर ऑक्साइड मे कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज इन मैन। द एग्जॉस्ट फॉर्म मथुरा रिफाइनरी आर थ्रेट टू ताज एट आगरा। देख लो उसी सल्फर डाइऑक्साइड के चलते क्या होता है, वो मथुरा में जो रिफाइनरी है तो वो जो कच्चा तेल का जो बर्निंग करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकला चिमनी से, एयर में गया, वाटर के साथ मिलके क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और वो सल्फ्यू एज ए एसिड रेन कहाँ आ रहा है, तुम्हारा ताजमहल पे, तो वो ताजमहल के लिए क्या है, थ्रेट है। देखो क्या कहता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज क्लोरेसिस। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच कॉजेज इरिटेशन ऑफ आई नोज एंड थ्रोट। दीज ऑल्सो पार्टिसिपेट एज रेन और एसनो प्रोड्यूसिंग एसिड रेन दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड वाइल्ड प्लांट। आया दिमाग में। दूसरा देखो हाइड्रोकार्बन कहता है फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ द फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। मेनी हाइड्रोकार्बन आर कार्सिजीनिक कैंसर कॉजिंग एंड दे ऑल्सो कॉजेज इरिटेशन ऑफ आई ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन एंड गिव राइज टू द सेकेंडरी पोलूटेंट ड्यूरिंग इंटरैक्शन विथ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये देखो फोटोकेमिकल ऑक्साइड में देखो दिस इंक्लूड्स पेरीऑक्साइल नाइट्रेट पान ओजोन एंड एल्डिहाइड। अब देखो कहता है पान इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विथ हाइड्रोकार्बन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ध्यान से देखना, ये पान देख लो कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। क्या कहता है, पेरीऑक्साइल नाइट्रिक एसिड जो एसाइल नाइट्रिक एसिड जो हम नाइट्रेट जो बोले थे इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विद हाइड्रोकार्बन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या करता है, इट इरिटेट आइज थ्रोट एंड रिस्पिरेटरी ट्रबल्स। ए स्मोक इज ए डार्क फॉग फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स एंड वेरियस अदर गैसियस पोलूटेंट सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड ETC। अब आ जाओ देख लो पर्टिकुलेट पोलूटेंट क्या कहता है। देखो पर्टिकुलेट पोलूटेंट आर एडेड टू एयर बाई इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल एंड बाई ऑपरेशन सच एज ब्लास्टिंग ड्रिलिंग क्रशिंग ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। समझ में आया, इसका गैसियस पोलूटेंट से इसका साइज बड़ा होता है। तुम्हारा जनरली इसमें डस्ट पार्टिकल जिसे ब्लास्टिंग करते हो देखते हो ना, डस्ट सब उड़ता है ड्रिलिंग। सम पर्टिकुलेट मैटर इज एडेड टू द एयर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंप्राइजेज देख लो पोलन ग्रेन्स स्पोर सिस्ट एंड बैक्टीरिया। समझ में आया, सब देखो इसका साइज बड़ा होता है, क्लियर हुए। अब देखो रेडियो एक्टिव पोलूटेंट क्या कहता है, दीज आर रिलीज बाय द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड वार एक्सप्लोसिव। दे आर हार्मफुल फॉर हेल्थ एज दे किल द लिविंग टिश्यू। कैंसर कॉज करता है आपका, समझ में आ रहा है।
अब आ जाओ मेन है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो क्या किया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में तीन मेथड, यही बेटा समझना है आपको, तीन मेथड दिए हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, स्क्रबर और कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा जानो कि क्या क्या होता है। देख लो, जैसे देखो ये जो तुम्हारा स्क्रबर है, ये देखो स्क्रबर कैसे याद करोगे, इसका मेन काम क्या होता है, उस एयर में जो SO2 होता है उससे उस एयर को निजात दिलाता है। क्या होता है, ये एक चैम्बर होता है तुम्हारा, ये इस तरीके से देख लो, ये देखो। अब यहां से देखो ये डर्टी गंदा जो डर्टी एयर यहां से भेजा जाता है, ठीक है। अब देखो ये एयर आया और इसी में SO2 होता है तुम्हारा। अब ये क्या होता है, यहां से देखो क्या होता है, वाटर प्लस लाइम, का स्प्रे कराया जाता है ये ऐसे। तो क्या होता है, ये SO2 जो है उस वाटर में डिसॉल्व होके नीचे चला आता है और ये एयर इधर से क्या होता है बाहर निकल जाता है, ये क्लीन एयर देख लो। तो दिमाग में रखना क्या है, स्क्रबर का ओनली रोल क्या होता है तुम्हारा, सल्फर डाइऑक्साइड को एयर से हटा देता है, इतने दिमाग में रखना है, समझ में आया। और कैसे हटाता है, तो जब वो डर्टी एयर उस चैम्बर में इन करता है तो उसके ऊपर वाटर और लाइम का स्प्रे कराया जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो SO2 उस वाटर में डिसॉल्व होके वो नीचे चला आता है और वो एयर फिर ऊपर से निकल जाता है आपका। ये स्क्रबर का काम है, समझ में आया मेरी बात, आगे बढ़ें। दूसरा देख लो, दूसरा है तुम्हारा ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। अब देखो यहां पर भी क्या होता है तुम्हारा, ये इस तरीके से एक चैम्बर उसी में देखो, ये इस तरीके से होता है यहां पर, और इधर से तुम्हारा क्या होता है वो जो चिमनी से जो निकलता है तुम्हारा डस्ट। तो जनरली तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को एयर से हटाया जाता है, ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं, डस्ट पार्टिकल। स्क्रबर से क्या था तुम्हारा SO2, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां क्या होगा डस्ट पार्टिकल। अब देख लो क्या होता है, ये तुम्हारा डस्ट पार्टिकल है, क्या होता है यहां पर वायर लगाया जाता है इस तरीके से, और इस वायर से क्या होता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है, हाई वोल्ट मोर और लेस तुम्हारा 1000 वोल्ट जो है का इलेक्ट्रिसिटी यहां पर छोड़ा जाता है, जिसके चलते क्या होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन देख लो इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इसी यहां जो ये जोन जहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इसी को कहा जाता है कोरोना, क्या बोलोगे इसको, कोरोना डिस्चार्ज इसको कहा जाता है। देख लो किसको बोलोगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है तुम्हारा,
तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उसी को कोरोना डिस्चार्ज जोन कहा जाता है। अब क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन के, देखो ये इलेक्ट्रॉन पे इस तरीके से बैठ जाता है, इस तरीके से देख लो। अब यहां पर क्या होता है, तुम्हारा प्लेट लगाया जाता है, देख लो इस तरीके से, और इस प्लेट को अर्थिंग किया जाता है। तो आप पढ़े हो कि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ये अर्थ उसी के साथ ये डस्ट पार्टिकल भी कहाँ चला जाता है, तुम्हारा अर्थ में चला जाता है। और एयर जो है यहाँ पर स्लो एयर फ्लो होता है तुम्हारा, ये एयर फिर क्लीन होके बाहर निकल जाता है, प्योर तो नहीं है बोलोगे, लेकिन क्लीन एयर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। समझ में आया, जल्दी बोलो। उसी प्लेट को ग्राउंडेड प्लेट कहा जाता है, समझ रहे हो कि मत कंफ्यूज मत होना। यहां पर ये वायर जो लगाया जाता है तो उसमें हमने क्या बोला कि 1000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है, जिसके चलते यहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट्स होता है। तो वो जो जोन जो होता है उसी को क्या बोले, कोरोना डिस्चार्ज जोन। उस इलेक्ट्रॉन पर यह डस्ट पार्टिकल क्या होता है, चारों ओर से उस पर बैठ जाता है। अब यहां पर देख लो, ये प्लेट है तुम्हारा, उसको अर्थिंग किए हुआ है, ग्राउंडेड कर दिया है, तो पढ़े हो कि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो ये निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, सब भागता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो डस्ट पार्टिकल भी कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। अब उसके बाद एयर क्या होता है तुम्हारा, बाहर, तो वो क्लीन एयर हो गया, ठीक है, जल्दी बोलो, समझ में आया। आगे बढ़े बेटा, बोलो, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो बेटा, आगे बढ़े। ये देखो दूसरा है तुम्हारा, ये कैटेलिटिक कन्वर्टर देख लो। ये जनरली तुम्हारा क्या होता है, ऑटोमोबाइल टू, चाहे वो 2 vehicle हो या 4 vehicle हो, उसमें ये फिट किया जाता है साइलेंसर में तुम्हारा। इसका यूज कहाँ होता है तुम्हारा, देख लो, ऑटोमोबाइल। ये थोड़ा सा इसलिए बता दे रहे हैं कि ये NCERT में यही 3 दिए हुआ है। क्या होता है, इसमें एक प्लेट होता है तुम्हारा, तो वो प्लेट जो होता है तुम्हारा प्लेटिनम, पोलेडियम और रोबडियम का बना होता है, ये तुमको जानना जरूरी है। देखो क्या होगा, वो जो प्लेट इस तरीके से होता है, देख लो, तो ये बना किसका है, ये आगे लिखा हुआ देंगे, ये देख लो, ये 3 चीज को याद रखना, देखो प्लेटिनम, पोलेडियम और रोडियम, इसका ये प्लेट बना होता है। क्या होता है तुम्हारा, आप तो पढ़े हो ना कि पेट्रोल या डीजल जो है वो अनलीडेड हो गया तुम्हारा, उसमें अब लीड नहीं होता है। ये क्या करता है देख लो, जब वो बर्निंग होता है तो अगर इनकम्प्लीट कंबसन, इन सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोकार्बन, जनरली कंप्लीट कंबसन पढ़े हो ना, जब फ्यूल का कंप्लीट कंबसन होगा तो CO2 वाटर निकलेगा। अगर इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो अनवांट हाइड्रोकार्बन होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है, उस हाइड्रोकार्बन को देख लो, क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है CO2 में। उसी तरीके से CO को भी ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा CO2 में। उसी तरीके इतने नहीं करता, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख लो, इसको भी कन्वर्ट कर देता है N2 गैस में, देख लो,
क्योंकि अगर सपोज करो कन्वर्टर नहीं फीड करते हो तो एयर में क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, सॉरी यहां पर देखो उल्टा कर दिया, क्या करेगा बेटा ये CO को कन्वर्ट कर देता है CO2 में। तो क्या होता है इन कंपेरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर होता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर बहुत ही इफेक्ट डालता है। हेमोग्लोबिन का बहुत ही बोजिम फ्रेंड है, हेमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है कैरी द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को छोड़ के इसी को कैरी शुरू कर देता है, जिसके चलते क्या होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके बॉडी में कम होगा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आएगा। तो ध्यान से देखो ये कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है और ये प्लेट किसका बना होता है, प्लेटिनम पोलेडियम और रोडियम। देख लो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट क्या कर देगा, जो भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है N2 गैस पर है, वो N2 गैस इनर्ट होता है, हाइड्रोकार्बन जो अनवांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, CO को वो CO2 में कन्वर्ट कर देता है, तो जिसके चलते तुम्हारा एयर पॉल्यूशन क्या होता है मिनिमाइज हो जाता है। तो ये तीन चीज तुमको पढ़ना था, तो हमेशा याद रखना स्क्रबर सल्फर डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या डस्ट पार्टिकल, और कैटेलिटिक कन्वर्टर कैटेलिस्ट से ही बना है, ऑटोमोबाइल काम क्या है हाइड्रोकार्बन को CO2 में, CO को CO2 में, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देना। क्लियर हुए? अब यहां पर आ जाओ बेटा, अब देख लो क्या कहता है, देयर आर 3 टेक्निक फॉर कंट्रोल ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट, कंबस्शन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन मेथड। देख लो इन कंबस्शन प्रोसेस ऑक्सीडेबल, देखो गैसियस पोल्यूटेंट आर कंप्लीटली बर्नड एट हाई टेम्परेचर। एक क्या होता है तुम्हारा कि जो भी तुम्हारा कंबसेबल सब्सटेंस है तो उसको हाई टेम्परेचर पर बर्न कर दो तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहता है देखो इन एब्जॉर्प्शन टेक्निक गैसियस पोल्यूटेंट आर एब्जॉर्ब इन सुटेबल ऑब्जर्वेंट मटीरियल, एडजॉर्प्शन में क्या करता है टेक्निक इज अप्लाइड टू कंट्रोल टॉक्सिक गैसेस वेपर्स एंड इनफ्लेमेबल कंपाउंड दैट कुड नॉट बी इफिशियंटली देखो रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड बाय द एफ्रोसेट टेक्निक। अब देखो यहां पर क्या करता है सम डिवाइस इज यूज इन रिड्यूसिंग रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट, पहला आता है फिल्टर्स, देख लो फिल्टर्स रिमूव पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। देखो फिल्टर मे बी मेड ऑफ फाइबरस मटेरियल लाइक क्लॉथ, ग्रेनुलर मटेरियल लाइक सैंड, ए रिजिड मटेरियल लाइक स्क्रीन और एनी मैट लाइक फिल्ट पैड। देख लो बैग फिल्ट्रेशन सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन होता है तुम्हारा। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बताया, देखो द डस्ट इज चार्ज्ड विथ आयंस, देख लो ये देखो ये मेन याद रखना है डस्ट पार्टिकल, देखो चार्ज्ड विथ आयंस, कैसे आयन क्रिएट करते हो बताए थे हाई वोल्टेज। अब देखो आयनाइज्ड पार्टिकुलेट मैटर इज कलेक्टेड ऑन एन अपोजिटली चार्ज सरफेस, द पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कलेक्शन सरफेस बाय ओकेजनल शेकिंग और बाय टैपिंग द सरफेस, ESP आर यूज इन बॉयलर्स फॉरनिस एंड मेनी अदर यूनिट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट सीमेंट फैक्ट्री एंड स्टील प्लांट। स्क्रबर देखो स्क्रबर आर वेट कलेक्टर, देखो दे रिमूव एरोसिल्स फ्रॉम ए स्ट्रीम ऑफ गैस आइदर बाय कलेक्टिंग वेट पार्टिकल्स और ऑन ए सरफेस फॉलोड बाय देयर रिमूवल और इल्स द पार्टिकल्स आर वेटेड बाय द स्क्रबिंग लिक्विड, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड एज दे ट्रेवल फ्रॉम सपोर्टिंग गैसियस मीडियम अक्रॉस द इंटरफेस टू द लिक्विड स्क्रबिंग मीडियम। क्या बोले यहाँ पर लिक्विड वही वाटर और लाइम यूज किया जाता है, तो इतना तुमको याद नहीं रखना है स्क्रबर, सिर्फ याद क्या करना है ये मेन काम क्या करता है SO2 को किसके प्रेजेंस में वाटर प्लस लाइम क्या होता है इसी वाटर में ये SO2 डिसॉल्व हो जाता है और वो नीचे चलाता है और एयर ऊपर निकल जाता है चैम्बर से। कैटेलिटिक कन्वर्टर बताइए दिए, देखो डिवाइसेस हैविंग एक्सपेंसिव मेटल, देखो प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम ये याद रखना है, एज द कैटेलिस्ट देख लो कहता है कैटेलिटिक कन्वर्टर्स आर फिटेड इन टू द ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ गैसेस, ए ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ वेजिटेशन। एक दूसरा मेथड होता है तुम्हारा
कि कैसे एयर पोल्यूशन को कम करोगे, तो ये ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ वेजिटेशन और ग्रीन स्ट्रिप अलोंग रोड एंड अराउंड द इंडस्ट्रियल एरिया रिड्यूसेस पर्टिकुलेट पोल्यूशन, क्योंकि तुम्हारा प्लांट भी क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है तुम्हारा, और अदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। तो वही कहता है कि ब्रॉड में जहाँ पर इंडस्ट्री है तो वहाँ के चारों तरफ एक ग्रीन स्ट्रिप बनाइए या रोड के साइड में आप बनाइए। क्लियर है बेटा? ये इतना तुमको बेटा ये एयर पोल्यूशन में पढ़ना था। इसके बाद तुमको हम बताएंगे वाटर पोल्यूशन, ठीक है? उसी वाटर पोल्यूशन में एक लेक्चर और लगेगा खत्म होने। बोलो समझ में आया? कितने को समझ में आया? नहीं, वो कैटेलिटिक कन्वर्टर जो है ना, देखो सोनाली का क्वेश्चन है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलो, या सिंपली कंफ्यूज मत हो क्योंकि केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बोले वो इनर्ट होता है, वो तो चला गया एयर में, कोई हार्मफुल इफेक्ट देता नहीं है वो तुम्हारा। तीन काम है कैटेलिटिक कन्वर्टर का, अनबॉन्ड जो हाइड्रोकार्बन होता है तो फिर वो कन्वर्टर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 में। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो उसको फिर कन्वर्ट कर देता है CO2 में। इसमें एक केस स्टडी भी तुमको पढ़ना है, समझ रहे हो? वो देखोगे आपके NCERT में दिया हुआ है केस स्टडी एयर पोल्यूशन पे दिल्ली में। वो पढ़े होगे तुम्हारा 34 जो बिग सिटी था तो उसका जब पोल्यूशन थी मेजर किया गया था तो आपका दिल्ली का चौथा आता था वो। ये 1993 की कहानी है, तब इस पर एक टास्क फोर्स बना तुम्हारा कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए। तो वहां हुआ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको कन्वर्ट किया गया CNG में, जिसके चलते क्या हुआ, पोल्यूशन लेवल वहां बहुत कम हुआ। तो बताएंगे केस स्टडी तुम्हारा क्या है, क्योंकि आपका वो बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये दूसरे अथी में बताएंगे। और बोलो समझ में आया? अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज 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 फिर बोल रहे हैं, लाइक तो करवे करो, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाओ ना यार, समझ नहीं रहे हो? थोड़ा सब्सक्रिप्शन और मित्रों के बीच में फैलाइए, और आपका प्यार दुलार इसी तरीके से हमको मिलता रहेगा, अच्छा अच्छा वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, समझ रहे हो? और विशेष जानकारी के लिए बार बार बोलते हैं, एक वेबसाइट है www.paramartham.com पर जाइए, सारा डिटेल आपको मिलेगा। और ये भी हम बताते हैं कि ये NGO की तरफ से चलता है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं NGO की तरफ से कर रहे हैं, ठीक है? धन्यवाद, बाय बाय।